बालकों ने माँ को वहां से घर से निकाल दिया था। वृंदावन आके बात करने लगी, बेचारी भीख भी मांगती थी। मैंने जाकर के पूछा, माँ क्या हो गया है? माँ ने कहा कि अब मैं असहाय हो गई हूँ, मैं भोजन के लिए तरस रही हूँ, मुझे भोजन तक नहीं मिल पा रहा है, चलने में असमर्थ हूँ मैं, भोजन की व्यवस्था हो जाए। मैंने अपने हाथों से जाके उस माँ को भी भोजन कराया। मैं पंडित श्री घनश्याम शास्त्री, श्रीधाम वृंदावन, श्यामा श्याम सेवा पथ का मैं संस्थापक हूँ। मैं मध्य प्रदेश है, बिहार है, वहाँ से लोग दर्शन के लिए आते हैं। बेचारों पे कुछ पैसे होते नहीं हैं, वो तो वही सोच के आते हैं कि वृंदावन धाम में जा रहे हैं, कहीं से मिल जाएगा तो खा लेंगे और उससे जीवन कटता रहेगा। हमारी जो टीम है साथ में मिलकर के भोजन बनाती है, छोटे छोटे से ड्राम है उनको उसमें भर करके पैकिंग कर करके किराए पर टमटम ला करके तो मैं उसको पूरी टीम के साथ लेके जाता हूँ। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पे जहाँ पे बेचारे असहाय लोग पड़े हुए हैं, मैं उनको भोजन बांटती हैं। 400 से 500 लोग भोजन करते हैं, उसमें सब्जी है, चावल है, दाल है, किसी दिन कड़ी है, और जैसे एकादशी पड़ जाती है तो हम फल की भी व्यवस्था कर देते हैं। जब भोजन किसी को हम कराते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है, हमारी सेवा करने से कोई सुखी हो रहा है, किसी को भोजन मिल रहा है, इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है। इसमें राशन की आवश्यकता होती है, इसमें जैसे आटा है, चावल है, मसाले हैं, तेल भी है, जो सब जो भी सामग्री लगती है, सब्जियां हैं, वो जो भी भोजन बनता है गरीबों के लिए, तो उसमें अन्न की बहुत परेशानी अब आने लगी है। आप सबसे प्रार्थना है मेरी, आप सब लोग हमसे जुड़िए, हमारा सहयोग करें, और जो भोजन की सेवा चल रही है ऐसी निरंतर सेवा चलती रहे।